हेलो 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 हेलो, आप कहाँ से आते हैं? अजगरा रानीगंज से भैया। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे आदमी को दिक्कत थी। नहीं, जैसे क्या दिक्कत थी? पित्त के थैली में पथरी हो गई थी। यहाँ आने से ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गया। पित्त के थैली में पथरी? हाँ, पथरी। और राजा बलि धाम में आने से ठीक हो गई? अरे नहीं भैया, दवा भी कर रहे थे और यहाँ से भी महाराज जी की भी कुछ जो शक्तियाँ हैं वहाँ कृपया थी, ठीक हो गई। अच्छा अच्छा, तो उसके पहले आप दवा नहीं करा रही थी क्या? दवा बहुत कराए पर भैया ठीक नहीं हुआ। रानीगंज अजगरा जो है कोई गांव भी होगा वहाँ? हाँ, डीवा। डीवा गांव? हाँ, डीवा से। अच्छा, तो अभी आराम है उनको? हाँ, आराम, एकदम ठीक हो गए हैं? नहीं, आराम है पूरी तरह से। और कितना, डेढ़ साल से आप आ रहे हैं? हाँ, डेढ़ साल हो गया। राजा बलि धाम में आप कहाँ से आती हैं? हम आते हैं मतलब कि डेढ़वा साइड स्कूल परियावा है। परियावा, तो मतलब क्या समस्या थी आपको? हम हमेशा ऐसे बीमार रहते थे, हमारा मतलब कि हमेशा हमारे ऊपर ऐसे घुमरी आती थी, मुँह सर दर्द करता था हमेशा, मतलब एक से एक बीमारी होती रहती थी। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आदमी इलाज कराता है? इलाज हम बहुत करवाए, लेकिन जब हमको यहाँ पता चला एक साल पहले, तब यहाँ आए, हमको यहाँ से आराम होने लगा, मतलब बहुत आराम हुआ। फिर हम आज फिर प्रसाद चढ़ाए महाराज जी को, प्रसाद चढ़ाए फिर हमको बहुत आराम हो गया, फिर यहीं से हमारा मतलब कि दुख एकदम ठीक हो गया। कितने दिन में आपको इस समस्या से निजात मिली? 3 महीने के बाद से हमको, पहले हमने आए तो 1 महीने तक हमें उतना नहीं आराम मिला, फिर उसके बाद 3रे महीने से हमको बहुत काफ़ी आराम, एकदम जिससे हमको कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, 3 महीने बाद आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे हम बीमार ही नहीं रहते थे, एकदम ठीक हो गए? एकदम ठीक हो गए। तो और कोई आपके गांव का आता है? हाँ, हमारे गांव के आते हैं, मतलब कि 2-4-10 लोग आते हैं। तो आपको कैसे जानकारी हुई यहाँ के बारे में? हमको जानकारी मतलब कि कोई इसे हमारा रिश्तेदार बताया, हमें पहले बताया था बहुत दिन से, लेकिन हमने आया नहीं, लेकिन फिर जब मोबाइल में देखने लगे तो फिर हमारे आने को मन करने लगा, कि हमारे यहाँ भी अर्जी लगाई और 3-5 दिन लगातार लगाए, तभी से हमको कुछ कुछ राहत मिलने लगा। फिर उसके बाद 3 महीने बाद हमको जैसे लगा कुछ हमको हुआ ही नहीं। अच्छा, आप एक बार अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए दोबारा। हाँ, मेरा नाम है सीमा यादव, ग्राम परियावा, पोस्ट डेरवा। अच्छा, डेरवा बाजार ना? डेरवा बाजार। हाँ, तो आपको पूरी तरह से आराम अभी हो गया है? पूरी तरह। तो ये आराम होने के बाद आपको अगर 1 साल हो गया तो कितना दिन ऐसे आना जाना पड़ेगा यहाँ? आना जाना अपनी इच्छा है। नहीं, इच्छा तो मान लीजिए जिंदगी भर तो आदमी दे नहीं पाएगा, तो कब तक आप आओगे? मतलब महाराज जी बोले थे कि हवन होगी, अगर 1 साल बाद मेरे यहाँ हवन हुई थी, हवन के बाद हमको बोले 6 महीने आपको और आना पड़ेगा, नहीं तो आप मत आइए। लेकिन हमने सोचा कि हम क्यों मत आएँ, जब हमको यहीं से आराम हुआ तो हम आते जाते रहेंगे। हाँ, लगभग 1.5-2 साल जो है। हाँ, आएंगे। हाँ, आएंगे आप? हाँ, पहले आते थे 1 हफ्ता, एक हफ्ता में 2 दिन, अब 15 दिन में 1 दिन आते हैं। हम आवास पूर्णा से मंदिर आते हैं, जैसे हमें टाइम मिलता वैसे आते हैं। ऊपरी चक्कर में क्या दिक्कत थी, कैसे क्या होता था आपको? अरे हमारे गटई जरे लागे, गैस बने लागे, खेले अभुआए लगी हैं, हाथ गोड़ पिराए लागे। अच्छा, ये पहले ऐसा होता था? हाँ पहले। अभी? अब बंद है। कितना परसेंट आराम है, मतलब रुपए में कितना आना आराम है? अरे बस तरह तो 16 आना फायदा है। हाँ, बस डील नहीं खा लिया है बस। अच्छा, ये बताइए, अभी डील नहीं खा ली है लेकिन उम्मीद है खाली हो जाएगी? हाँ। तो ये बताइए कि लगभग कितना दिन आना पड़ेगा, कुछ जानकारी है? नहीं तो नहीं जानकारी, लेकिन हम महाराज के पछुआए ही। कितना रुपया खर्चा हो गया यहाँ दरबार में? कुछ नहीं भाया है भैया। कोई पैसे की मांग या ऐसा कुछ महाराज? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाया है, वह प्रसाद 20 रुपया चढ़ाए ही, वह प्रसाद चढ़ाए थे। किस जिले से आती हैं आप? हाँ जी, कौन सा जिला है आपका? अमेठी। अमेठी में घर है शहर में? नहीं, गाँव सरहिया। सरहिया गाँव में? हाँ, जंगल राम नगर मौजा। अच्छा, जंगल राम नगर ना? हाँ, संजय सिंह। हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो घर में और किसी को दिक्कत थी कि आपको अकेले दिक्कत थी? अब भैया हमारी होत रही, लड़का बच्चा होत रही हुई घर में, इसका मतलब सब लोग ठीक हो रहे हैं। हाँ। दादी आप कहाँ से आती हैं? हमारी तबीयत ऐसे चक्कर काटती रहा, चले नहीं पा। आज पहली बार आई हो? हाँ, तो हम पहली बार। कैसे जानकारी हुई? हमें बताई। अच्छा, आपने इनको बताया है? हाँ जी। चलिए, आपको आराम हुआ है तभी बताया होगा। हाँ। आप क्या नाम है दादी?
नाम आप भी वही जंगल रामनगर से हैं? इनके बगल में घर है। अच्छा अच्छा, आप देख रहे थे, हम राजा बलि धाम के भक्तों से पूछा और जानने का प्रयास किया कि इनको आराम है कि नहीं है। ये यहीं पड़ोसी जनपद अमेठी से हैं।